पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में एक पंचायत ने एक शर्मनाक फैसला सुनाया। पंचायत ने गैंगरेप जैसे गंभीर मामले में आरोपियों को एक हांडी शराब देने की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार ने जब फैसले का विरोध किया तो इनका घर जलाने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गैंगरेप और सजा एक हांडी शराब, ये न्याय है या मजाक या फिर पंचायत की लापरवाही? ये दर्दनाक और शर्मनाक घटना है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की, जहां एक गांव में छठी क्लास में पढ़ने वाली आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ उसी के स्कूल के तीन छात्रों ने गैंगरेप किया। लड़की ने जब अपने माता पिता को इस बारे में बताया तो बात बढ़ गई, गांव में पंचायत बैठी। बातें तो गंभीरता से सुनी गई, लेकिन फैसला बड़ा शर्मनाक आया। पंचायत ने तीनों आरोपियों को एक एक हांडी शराब देने की सजा सुनाई। सजा सुनकर पीड़ित परिवार भौचक्का रह गया, विरोध जताया तो पंचायत ने जो किया वो और भी शर्मनाक है। पंचायत ने लड़की के परिवार को धमकी दी कि अगर वो पुलिस के पास गए तो उनका गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। पंचायत ने पीड़ित परिवार को उनका घर जलाने की भी धमकी दी। दो दिन की चुप्पी के बाद पीड़ित लड़की के माता पिता थाने पहुंचे और पूरी आपबीती सुना दी। इस पर पुलिस हरकत में आई और मामले की छानबीन में जुट गई।